जी नमस्कार, इस समय हमारे बीच में अभय प्रताप सिंह और मैं लहरे से दिनेश कार्तिक। सबसे पहले लहरे में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। दुल्हा डेढ़ लाख का ये फिल्म कैसे सोची आपने? दूल्हा डेढ़ लाख का ये फिल्म मैंने इसलिए सोची कि दूल्हा इसमें जो है वो डेढ़ लाख का ही दिखाया गया है। और मैं एक्चुअली क्या है कि आपको बताऊं, एज ए एक्टर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, तो इसमें पर डे हमें भी मिलता है। किसी सीरियल में मैंने 4 दिन का काम किया तो 4 दिन का पर डे मिलता है, किसी फिल्म मैंने 8 दिन काम किया तो 8 दिन का पर डे मिलता है। बट क्या होता है कि जब हम 2 दिन काम करने के 2 दिन हम काम किए और घर से फोन आता है कि अच्छा सुनो तुम्हें काम मिला क्या, तो हम बताते हैं हाँ काम मिला एक सीरियल में और हमको पर डे जो है 10,000 रुपये मिल रहा है। तो घर वाले सोचते हैं कि 10,000 रुपये पर डे मिला है एक दिन का, तो महीने का तो ये 30 दिन में तो मतलब ये 3 लाख रुपये होगा। लेकिन घर वालों को नहीं पता होता कि 2 दिन काम करने के बाद 2 महीना बैठना पड़ता है, 4 दिन काम करने के बाद 4 महीना बैठना पड़ता है, लेकिन वो पैकेज पूरा जोड़ लेते हैं। सो इसी में कन्फ्यूजन में ये जो टाइटल आपको दिख रहा है 1.5 लाख का दूल्हा, इसी कन्फ्यूजन में टाइटल आपको मिलेगा। आपने डायरेक्शन राइटिंग तो की है, लेकिन आपका क्या खास किरदार होने वाला है फिल्म में? खास किरदार आप एज ए डायरेक्टर में इसमें मेरा खास किरदार होगा और ये आप लोगों को मज़ा भी आएगा कि मैं अच्छी चीज़ लेकर आ रहा हूँ और जितना भी जो भी मैंने दिखाया है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हूँ जो आप लोगों को पसंद आएगा। और मैंने साफ सुथरे तरीके से उसको प्रेजेंट किया है, इसीलिए मुझे सेंसर से यू सर्टिफिकेट मिला है। तो फैमिली फिल्म बनाया हूँ, बहुत कमाल की फिल्म है। और स्टारकास्ट कैसे फाइनलाइज की गई इस फिल्म की? स्टारकास्ट इसमें आप देखेंगे तो आप कास्टिंग को लेकर आप बोलेंगे कि बहुत परफेक्ट कास्टिंग हुई है, क्योंकि हमारी फिल्म में डिमांड ही नहीं था कि हम इस तरह के लोग चाहिए, हमें कैरेक्टर में कौन फिट है। इसमें अखिलेन मिश्रा जी लड़के का बाप का रोल कर रहे हैं, इश्तियाक जी हैं वो चंपक का कर रहे हैं, एहसान खान है वो ठाकुर का रोल कर, तो जो कैरेक्टर जिसमें फिट था सारे उसी तरह से हमें मिल भी गए। ये समझ लीजिए कि मेहनत हमारी टीम की और बाकी ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है। आप हिंदी भोजपुरी टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हाँ, तो कैसा अनुभव रहा आपका, कैसी जर्नी रही ये आपके लिए? देखिए बहुत ही कमाल का रहा है जर्नी। आप समझिए कि मैं आज काफ़ी टाइम से सब टीवी के शो तो बहुत सारे मैंने किए हैं और लगातार आप मुझे सब टीवी में देखते भी आ रहे हैं, तो क्या होता है कि चैलेंजिंग काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। एक डेली अगर आप दाल चावल खा रहे हो तो आदमी सबका मन करता है कि यार अब कुछ अलग। तो मेरे भी दिमाग में चल रहा था कि यार क्यों ना कुछ अलग हो, क्योंकि आप ऑलमोस्ट जितने भी लोग हों एक्सक्यूज भले कोई दें कि एक्चुअली नहीं मेरा तो ठीक है सीरियल नहीं, आते मुंबई में सब बड़े पर्दे के लिए ही हैं। तो मेरा भी सपना रहा है, ड्रीम रहा है, मैं दिल से बता रहा हूँ कि मैं चाह रहा था कि एक अच्छी फिल्म बनाऊँ, लोगों के सामने लाऊँ। और आप लोग का आशीर्वाद और प्यार है कि 30 दिसंबर को सिनेमाघरों में मेरी फिल्म आ रही है जिसका नाम है 1.5 लाख का दूल्हा।